आगे बलरामपुर से बड़ी खबर आपको बताएं, जहां नेशनल हाईवे पर पानी भरने की वजह से नेशनल हाईवे बंद हो गया। तेज बहाव की वजह से बंद हुआ NH 730 बिजलीपुर मंदिर और मेवालाल चौकी पर वाहनों की जो है कतार देखने को मिल रही है। मौके पर उप जिलाधिकारी सहित तमाम आला अधिकारी पहुंचे हुए। लगातार बारिश का कहर जो है वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहा है और तेज बहाव की वजह से NH 730 जो है वो बंद हो गया, जिसकी वजह से बिजलीपुर मंदिर और मेवालाल चौकी के पास वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। धीरे धीरे गाड़ियां जो है वो रेंगती हुई नजर आ रही हैं। बलरामपुर में लगातार राप्ती का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। पहाड़ों पर हो रही बारिश से मैदानी इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कई क्षेत्र बाढ़ की चपेट में। राप्ती नदी का जलस्तर 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है और इसी के बीच हालात का जायजा लिया न्यूज स्टेट समराह। में बाढ़ के कारण हालत काफी खराब नजर आ रहे हैं। बलरामपुर में नेपाल के द्वारा छोड़े गए पानी के कारण हालत इस स्तर पर आए हैं। बलरामपुर की तमाम सड़कों पर न केवल पानी चल रहा है बल्कि जो है ग्रामीण इलाकों में गांव टापू बन चुके हैं। मैं इस वक्त तुलसीपुर में स्थित बिजली घर पर खड़ा हूं, जहां पर बिजली सप्लाई करने का जो है काम किया जाता है। ये बिजली घर भी अमूमन बारिश के बाद से डूबा हुआ है। यहां पर गांवों में जो निर्बाध बिजली मिलनी थी, यानी कि 18 से 18 घंटे बिजली मिलनी थी, वो बिजली गांवों को नहीं मिल पा रही है। इसके साथ ही तमाम गांवों में अभी भी बत्ती गुल है। मैं आपको बताऊं कि बलरामपुर जिले के तकरीबन 500 ग्राम सभाएं ऐसी होंगी जहां पर बाढ़ का पानी स्टॉक हो चुका है। यहां पर बाढ़ का भीषण समस्या है। ग्रामीण अपने घरों में अपने छतों पर बैठे हुए हैं और वो जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन तेजी से मदद उन तक नहीं पहुंच पा रही है। जिला अधिकारी खुद सड़कों पर हैं, लेकिन उनकी जो टीम है वो गांवों में जाने से कतरा रही है और तमाम तरह की समस्याएं ग्रामीणों को हो रही हैं। युगेन त्रिपाठी, न्यूज स्टेट, बलरामपुर। और ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, जहां बारिश बनी आफत का सबब। सूरजपुर कलेक्ट्रेट के पास पानी भरा है। जगह जगह अंडरपास पर पानी देखने को मिला। अंडरपास में पानी में डूबे हुए हैं। जल भराव से लोगों को परेशानी हो रही है। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां सूरजपुर कलेक्ट्रेट के पास पानी भरा है। तस्वीर आपके सामने, सूरजपुर की तस्वीर, ग्रेटर नोएडा की तस्वीर, जहां अंडरपास के पास भी पानी भरा है। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जिस तरह से ये जो कॉम्प्लेक्स है, जो सड़कें हैं, वो पानी में तब्दील नजर आ रही है। सड़कों पर पानी जो है वो लबालब नजर आ रहा है। अंडरपास की तस्वीर आप देख सकते हैं। ये जिस तरह से जो गाड़ियां हैं वो इस अंडरपास के गुजरती हुई नजर आ रही है। अंडरपास पूरी तरह से डूबा हुआ नजर आ रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। जल भराव से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। सूरजपुर कलेक्ट्रेट के पास ये पानी भरा है।